सर्वे छात्र छात्राणि नमस्कार। आज वयम शिक्षा भाषा शिक्षण परिचय, जैसा कि हम बीएड सेकंड ईयर में संस्कृत शिक्षण में इकाई 3 संस्कृत भाषा शिक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। शिक्षण विधि यानी पढ़ाने का तरीका, यानी आपकी जितनी शिक्षण विधि अच्छी होगी उतना ही आपका शिक्षण प्रभावी माना जाता है। प्राचीन काल से चला आ रहा है कि शिक्षण विधियां कैसे होती है, यानी बच्चा यानी बालक शिष्य प्राचीन काल से अपने गुरु के पास में ज्ञान अर्जित करने जाता है और आज तक शिक्षण विधियां चली आ रही है। उन शिक्षण विधियों में ही वर्तमान में एक सर्वग्रंथ पाठ है जो शिक्षण विधि में उपयोग में लिया जाता है। जैसे सर्वग्रंथ उपागम वाक्य बोधात्मक शिक्षण विधि प्रस्ति अनेक बिना छात्र का भाषा व्याकरण नियमान ज्ञान बिना अपनी भाषा शक्नोति शिक्षण काले बालकाय सम्मानार्थं सदस्य पाठ्यक्रम आवश्यकम् नास्ति। केवल प्रयोगाभ्यास आवश्यक अस्ति, अतएव सद्वयो बंधात्मक शिक्षण विधि का उपयोग होता है, यानी बंधात्मक यानी वाक्यों का निर्माण किया जाता है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर वाक्यों को क्या कहता है निर्माण किया जाता है। अनेक विधि का छात्र भाषाया व्याकरण नियमान ज्ञान बिना अपनी भाषा उपयोग कर सकते, यानी इस विधि में छात्र भाषा व्याकरण नियमों का ज्ञान सीखे बिना भाषा प्रयोग कर सकता है, यानी व्याकरण का ज्ञान सीखे बिना भी बालक शिष्य संस्कृत भाषा का प्रयोग कर सकता है, यानी संस्कृत भाषा के वाक्यों का निर्माण कर सकता है। यानी इस विधि से व्याकरण सीखने की आवश्यकता नहीं, बिना व्याकरण सीखे भी वो अपने वाक्यों का निर्माण कर सकता है, संस्कृत भाषा का निर्माण कर सकता है। आगे शिक्षण काले बालिकाया पाठन आवश्यक नास्ति, यानी शिक्षण काल में यानी पढ़ाते समय बालक को सर्वनाम अवयवन पढ़ाते समय आवश्यक नहीं, यानी पढ़ाते समय सर्वनाम अवय सकते हैं और ग्रामर कुछ शब्दों का मतलब कि उस समय पढ़ते समय तो उनकी आवश्यकता नहीं होती है। केवल अपने संस्कृत वाक्यों का निर्माण किया जाता है, अतएव शब्दयो बालकानां प्रयोगेण सह तयो भाषिकानां प्रयोग च अस्ति, यानी बार बार शब्दों का उपयोग करते हुए वह अर्थ का ज्ञान अर्थ ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, यानी पहले वो वाक्यों का निर्माण करता है फिर उसका भाव समझता है और फिर वो अर्थ ज्ञान पता अर्थ ज्ञान तत्वों का ज्ञान लगा सकता है कि उसके वाक्य का क्या अर्थ है, उस वाक्य का क्या भावार्थ निकल रहा है। अतः सदैव सॉरी अनेक विधिना शिक्षण छात्राओं से क्रिया सहभाग्यों पर होती है, मतलब एक ही अगर बच्चों से क्रिया करवाएंगे बच्चों से वाक्यों का निर्माण किया जाएगा तो बच्चों की इस विधि में क्या होगी सहचारिता होगी, यानी सहभागिता होगी। सहभागिता होने के कारण ये शिक्षण विधि अच्छी है। अस्मिन् विदो अधिगमिष्य आधारसूत्राणां घटन अस्ति, मतलब है कि इस विधि में अधिगम के आधार पर सूत्रों को रटने की जरूरत नहीं है। सब के अब माध्यम न्याय से बढ़ने होती है, यही सविवेक बने बोध के कारण सविवेक ज्ञान के कारण वो अपने ज्ञान का बढ़ोतरी करता है, अपने ज्ञान का
आखिर की रचना की जा सकती है। जैसे यहाँ पर क्या करता है सर, कर्म क्या ज्ञान ब्राह्मण कलन वाचन पुस्तकम, ठीक है। इसके बाद में क्रिया में मुझे गच्छति आगयति पठति और पश्यति। अब इसमें पहला वाक्य मानते हैं यहाँ पे सह सह विद्यालय पुस्तकालय पढ़ती, वो पुस्तकालय जाता है। इस तरह से सह वाचनालय वाचनालय पश्यति वह वाचनालय देखता है। फिर राज्य की सह पुस्तकम पढ़ती वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें से वाक्य का निर्माण क्या रहता है, यानी अलग अलग तालिका के द्वारा कई वाक्य की रचना की जा सकती है। इसमें ग्रामर की जरूरत होती है, इसमें बच्चा अपना स्वाभाविक रूप से सीखने की कोशिश करता है। अगले वीडियो में